मैं गुजरात से आई हूँ महाराज, राधे राधे। मैं ये पूछ रही थी कि गोपेश्वर महादेव कहाँ पे हैं? यही हैं गोपेश्वर महादेव वृंदावन में। आप पूछ लीजिए, रिक्शा वाला छोड़ देगा, बोलने पर छोड़ देगा। हाँ, रिक्शे वाले से बोल देना छोड़ देगा। दूसरी बात ये महाराज, गुजरात में सब स्वामी नारायण को बहुत मानते हैं और वहाँ के लोग बोलते हैं कि उनका कृष्ण अवतार है, ये सत्य है कि नहीं? स्वामी नारायण तो भगवान नारायण ही है ना? हाँ। है ना, तो नारायण जो है वह तो नारायण ही है, नाम ही उनका नारायण है, तो नारायण ही उस रूप में प्रकट होते हैं। एक बात है और महाराज, तो जो नारायण भगवान का नाम है वो भगवान का नाम नारायण है, भगवान का नाम है। एक बात है और, मेरा कल टिकट है, पोथीपाथ में भी बैठवाई हूँ। अच्छा, कल का टिकट है तो जैसे अगर मैं कल चली जाऊँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर जाना जरूरी है कि नहीं? अब आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ठाकुर जी प्रसाद आपके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, राधे राधे मां। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, आपने कथा में कहा था कि हम सबको तुलसी धारण करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं भी तुलसी धारण करती हूँ। तो लहसुन प्याज खाते हैं उससे पाप लगेगा? नहीं खाना चाहिए, पाप पुण्य अलग विषय है, तामसी है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। गुरु जी, जब कहीं जाएं तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाएं या घर पे ही रखें? घर पे कोई पूजा करने वाला हो तो घर पे रख के जाएं, वरना आप ले जाएंगे साथ में? कि जब कोई घर पे ना हो तो साथ में लेके जाएं? जब कोई साथ में ना हो तो घर साथ लेके जाएं? तो लेके जाइए फिर, जहाँ आप रुके वहाँ व्यवस्थित उनकी पूजा आरती हो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। मैं आपको पहली बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ना उड़ीसा संबलपुर से आई हूँ, और मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा था कि विष्णु जी से ब्रह्मा जी और शिव जी निकलते, तो विष्णु जी कहाँ से आए हैं? भगवान नारायण ही, भगवान नारायण से ही सब प्रकट होते हैं। भगवान नारायण का ही एक रूप विष्णु है, उन्हीं से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, ये भागवत जी में लिखा है। भगवान नारायण ही अनादि हैं, वह अजन्मा है, वही है सृष्टिकर्ता, वही है तीन रूपों में विभक्त। गुरु जी मुझे गुल्लक देना है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी, हम लोग ओडिशा से आए हैं और मेरे को दीक्षा लेना है। तो मैं एक गुरु से ली थी, वो स्वर्गवास हो गया, वो दीक्षा याद भी नहीं है, तो आपसे लेना है। मंत्र याद नहीं है? नहीं। ठीक है, ठीक से याद नहीं है। ठीक है, आपसे लेना है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। मैं झारखंड से पहली बार आई हूँ आपके गोकुल नगरी में। गुरु जी, मुझे टीवी में जो देख रही थी एकदम बिल्कुल सही है और उनको बहुत अच्छा लगा। क्या देखा आपने टीवी पर, यहाँ क्या देखा? जो टीवी में देखे उससे ज्यादा देख रहे यहाँ पे। क्या? वही कि संत लोग को खाना, और मतलब सभी लोग को खाना दे रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको खाना नहीं मिला। और मैं भी यहाँ पे 3 दिन से हूँ और मैं भी खाना खा रही हूँ तीनों टाइम से। और मैं यही, मेरा प्रश्न यही था गुरु जी कि मैं किसी का शरीर में जो प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है वो कैसे, क्यों प्रवेश कर जाती है? जो व्यक्ति सात्विक नहीं होता उसी के अंदर फिर नेगेटिविटी प्रवेश करती है। सात्विक मतलब नहीं समझ? सात्विक मतलब जो पहले से भगवान से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है तो उसे कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती। जो भगवान से नहीं जुड़े है ना, जैसे जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर होते हैं, तो जो गंदे ढंग से रहता है, जो कभी भगवान की पूजा आरती इत्यादि अपने आप को धर्म आध्यात्म से नहीं जोड़ता, उन्हीं के पास फिर ये निगेटिविटी पहुँच जाती है। ठीक है गुरु जी। और हमारे दो खुश रहे गुरु जी, हमारे दो बच्चे भी हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपका कथा हमेशा सुनती हूँ, और मैं झारखंड से हूँ क्योंकि झारखंड के लोग बहुत कम आते हैं, और मैं बहुत इच्छा थी कि यहाँ आने के लिए। हमारे हस्बैंड भी आए हैं और हमारी बहन भी आई हुई। खुश रहिए, भगवान आप सबको सुखी रखें।